जयपुर में लोकसभा चुनाव के पहले फेज का मतदान आज जारी है। बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। पोलिंग बूथ के बाहर हथियारों से लैस सुरक्षा के जवान तैनात किए गए हैं। राजस्थान पुलिस डीजीपी यूआर साहू ने भी लोगों से शांतिप्रिय तरीके से मतदान करने की अपील की है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुरेश कुमार गोयल ने। पहले फेज की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है और मैं अभी जालूपुरा मतदान केंद्र के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था है पूरी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं सुरक्षा के जो जवान हैं, हथियारों से लैस जो सुरक्षा के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। आप देख सकते हैं जो महिला जो सुरक्षाकर्मी है, महिला जो पुलिसकर्मी है, वो हथियारों के साथ लैस है और सुरक्षा पुलिस की तरफ से जवानों की तरफ से जो है कोर्ट की गई है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। आप देख सकते हैं जो महिला पुलिसकर्मी है और ये तैनात की गई है, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो दिव्यांग जो महिलाएं हैं उन्होंने मतदान किया है और दिव्यांग महिलाएं उनको व्हील चेयर के जरिए मतदान के लिए लाया गया है और हम मतदान है वो जारी है और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एक सेल्फी पॉइंट है वो यहाँ बना गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में सेल्फी पॉइंट है वो बनाया गया है। आप मतदान करने के बाद में सेल्फी लें, इसके बाद में आप उसको सोशल मीडिया पे डालें, तो इस प्रकार से जो सेल्फी पॉइंट है वो बनाया गया। आप देख सकते हैं कि जो मतदान के लिए जो लाइनें हैं वो लंबी लंबी कतारें हैं वो लगी हुई है और पूर्ण तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। 12 लोकसभा सीटों पर जो पहले फेज की जो 12 लोकसभा सीटें हैं उन पर आज मतदान जारी है। कैमरा पर्सन नेमी के साथ सुरेश कुमार, A1 TV, जयपुर।